जी हाँ नीलम जी, आपने सही कहा। अभी अभी हुई है दिल्ली NCR में खौफनाक चोरी और हम आए इसका पर्दाफाश करने। हमारे साथ है झा जी पांडे, जो हमें बताएंगे कि किस तरह हुई थी उस दिन वो चोरी। आइए बात करते हैं हम झा जी से और पता लगाते हैं प्रशासन की कमजोरियों का कि किस तरह प्रशासन ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए इस चोरी को लेके। आइए बात करते हैं हम मिश्रा जी से। बोलिए मिश्रा जी, क्या हुआ था उस दिन? आइए। नहीं तो पहले खाई नहीं खा लो, पहले कहीं नहीं खा लो, वो ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू मत दो, तुम खाई नहीं खा लो। काय अड़बड़ा रहे, काय छाती फाड़ दे रहा है। अपने मुंह को कपड़े से क्यों ढका हुआ है? इतना गर्मी है और का है, लू चल रहा। तुमको कहा, तुम तो एसी गाड़ी में आए हो, एसी गाड़ी में चले जाओगे। एसी गंजी जल्दी लेके आइयो। जी नीलम जी, जैसे कि आप देख रही हैं कि ये शख्स इतना ज्यादा डर चुका है उस चोरी की वारदात से कि इसने अपने मुंह को ढक लिया है पूरी तरह से। इतनी कमजोर हो गई है यहाँ की सरकार कि एक नागरिक की हिफाजत तक नहीं कर सकती। आइए जानते हैं हम मिश्रा जी से कि क्या हुआ था उस दिन और विस्तार। हम आए थे यहाँ पे, गर्मी का टाइम था, सरकार ने लगाई है एसी वाली बस स्टैंड, तो वहाँ आए थे हम बैठने के लिए। थोड़ा उतनी देर में ही हमारी आँख लग गई बैठे बैठे। हम सोचे ठंडी हवा चल रही, सरकार की व्यवस्था बढ़िया की है, कहो सो जाए यहाँ, तो सो गए हम यहाँ। गौर से देखिए शख्स को नीलम जी, जो आता है यहाँ पे सिर्फ एसी की हवा खाने और बस स्टॉप पे सोने के लिए। आइए जानते हैं शुक्ला जी से पांडे से फिर उन्होंने क्या किया। थोड़ी देर बाद आवाज आने लगी चिल्ला चिल्ली की। हम सोचे का होएगा, हम सोचे चलो उठ जाए देख ले का होएगा, कितना सोईबे। तो उठ गए, जब उठा तो देखा कि लोग पूरा भगदड़ मचा है, चारों तरफ पूरी भीड़ इकट्ठा। हम कहा का हुई का हुई का। जब हम पास गए तो देखी कि चोरी हो गई। हम पक्का हो गए, हम बोले कहो हमारा बटुआ ना मार लिया हो। हमने हमारा बटुआ चेक किया, पता चला हमारा बटुआ को मारा नहीं, हम तो बच गए भाई। हम तो कहा जय काली मैया, बहुत अच्छा रक्षा की ना तुम हमारे। जैसे कि आपने सुना नीलम जी की वो चोर इतना शातिर था कि ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा। वो मिश्रा जी के पांडे खराटों से भी नहीं घबराया और चाहे उसने दिन दहाड़े चोरी कर ली। कभी का नाम ले रहे हैं, कभी का नाम ले रहे हैं, अपने मन से कोई भी नाम ले ले रहे हैं। पांडे नाम हमारा, पांडे। यार तुम एकदम बकलोल आदमी हो, का तुम्हारा चेहरा दिख नहीं रहा, नाम कोई भी लगा चाटोगे क्या? काम करो, इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू दो। क्या दे जा रहे, तब से ये नहीं था वो नहीं था। क्या आप हमें विस्तार में बताएंगे कि कैसे हुई थी उस दिन चोरी और कितने रुपए की हुआ था? फिर जब हम पता लगावा तो हमको पता लगा कि चोरी हो गई है पूरे 100 रुपए की। जैसे कि आपने सुना नीलम कि उस दिन हुई थी 1,00,000 रुपए की चोरी दिन दहाड़े। क्या कर रही है ये सरकार, क्या कर रहा है ये प्रशासन? क्या वो इन सब की चोरियों को रोक नहीं सक रहा है? क्या सो रही है प्रशासन? सुनो, तुम हमसे थोड़ा कायते में बात करना। नहीं करेगा काका, ध्यान दे, चल हट हट। जैसा कि आपने सुना है नीलम की